ऑल राइट, सो हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने जब राइड रिव्यू का वीडियो बनाया था तब मैंने बताया था अभी बाइक का सर्विस आ गया है और अभी मेरे को सर्विस करने जाना ही पड़ेगा। तो फाइनली आज मैं जा रहा हूँ बाइक का सर्विस कराने और इस बार मैं मोटुल का ऑयल डाल रहा हूँ 300V। ये ऑयल का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उधर से बाय कर सकते हो, क्योंकि रेसिंग मतलब परफॉर्मेंस बाइक के लिए बहुत अच्छा ऑयल है। तो इस बार मैं बोला ये चेंज करके देखते। और बाइक की प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो अभी मेरे को फ़िलहाल ये देखो पहले तो ये आ रहा है, ये अभी हट जाएगा। मेरा इधर ABS है, ABS का लाइट आ गया है, अभी पता नहीं सेंसर का कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या हुआ है। और ये मेरा गियर शिफ्टिंग, ये दो सेंसर मेरे को प्रॉब्लम दिया है, ये भी सेंसर दोनों डालना पड़ेगा। बाकी वही छोटा मोटा काम रहेगा, एक हॉर्न थोड़ा शायद बज नहीं रहा है तो वो हॉर्न का भी करना है, छोटा हो गया हॉर्न एकदम, तो हॉर्न का भी देखने का है बस यही। और बाकी का ऑयल वगैरह चेंज होगा वो सब होगा। तो आगे पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर्विस कॉस्ट कितना जा रहा है, इतना सब का मेरे को क्या खर्चा आने वाला है। अभी फाइनली 17,000 किलोमीटर के बाद हम लोग सर्विस कर रहे हैं ये, तो 17,000 किलोमीटर के बाद बाइक का कितना सर्विस कॉस्ट लगता है वो सब आपको मालूम पड़ेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते। पहली बार मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है, ये दोनों सेंसर, इतने टाइम से बाइक चला रहा हूँ मगर कभी ये सेंसर नहीं गए थे, पर पता नहीं ये टाइम ये सेंसर का कैसा हो गया। ऐसा ये सब मानसून राइड जो भी हुआ ना वो सब का नतीजा है ये। मानसून में इतना बाइक चला है, इतना घूमे हम लोग। और अगर आप लोगों ने अभी तो मानसून सीरीज़ देखा नहीं होगा तो मेरा इधर आई बटन में आ रहा होगा वीडियो, पूरा प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगा मैं उधर, तो आप पूरा मानसून सीरीज़ देख सकते हो कि पूरा मानसून में किधर किधर गया मैं। और चलो, बाकी धूप बहुत बहुत ज़्यादा है, मतलब बोलते हैं अभी से निकला, 5 मिनट हुआ है मेरे को निकल गया मगर अभी से फील हो रहा है बाप रे, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। तो यहाँ पे हमें करनी है इस बार सर्विस। चलो इधर अंदर जाके देखता हूँ, सर्विस का पहले पूछ लेता हूँ। यार गाड़ी वॉश का टाइम बहुत सही लगता है यार, अभी टकाटक वॉश होने दो एक बार, फिर अंदर जाएंगे, फिर उसका प्रॉपर काम चालू होगा, तो वॉश होने का वेट करते हैं। बस वॉश होके आ जाइए भाई। तो सबसे पहले हमारे बाइक का ABS का काम हो रहा है, जो ABS की लाइट आ रही थी वही ABS का पहले देख रहे हैं। तो मेरा चेन चला चला के बहुत लूज हो गया था, तो अभी चेन टाइट कर रहे हैं पहले। तो अभी हो रहा है हमारा शॉक अब्जॉर्बर का काम, कि जो आगे की सस्पेंशन है वो मेरी बाइक एक साइड जा रही थी जो लग रहा था, तो अभी वही चेक करने वाले, वही है क्या। तो उसके बाद गियर सेंसर का देखेंगे और फिर जो ऑयल चेंजिंग है वो सब बाद में देखेंगे। तो अभी पहले शॉक अब्जॉर्बर का कर लेते हैं। शॉक अब्जॉर्बर चेक कर रहे हैं अभी कि उसमें ऑयल वगैरह तो कम नहीं, क्योंकि मेरा बाइक वन साइड जा रहा है, वही अभी चेक हो रहा है। तो ये है, अब बाबा क्या हो गया ये,
अच्छा खासा वेट है यार इनका। गाड़ी कैसी हो गई है देखो, अभी देखेंगे ऑयल चेक करेंगे क्योंकि शॉक ऑब्जर्व में ऑयल बराबर है क्या नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऑयल कम होगा तभी जाके मेरा गाड़ी एक साइड जा रहा है, मगर अभी चेक करेंगे ऑयल है क्या नहीं, ऑयल नहीं रहेगा तो टॉप अप कर लेंगे और वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। गाड़ी वन साइड जाने का एक ही रीज़न था जो मैंने पहले बताया था, ऑयल कम ज़्यादा है। और ये सबसे अलग बात, ये लेफ्ट साइड में अलग ऑयल था, राइट साइड में अलग ऑयल था, ये थोड़ा जाड़ा है मतलब, तो बोलते ना फील हो रहा है इसके लिए मेरा, और ये पतला था इसके लिए एक कंप्रेशन ज़्यादा हो रहा था और एक थोड़ा लेट हो रहा था, इसके लिए बाइक मेरी वन साइड जा रही थी तो ये प्रॉब्लम था आगे का। तो अभी हम दोनों भी फोक्स में ऑयल चेंज करने वाले हैं और दोनों में एक ही ऑयल डालेंगे। और किसी को मालूम नहीं हुआ तो बता देता हूँ कि फोक्स में 450 ml ऑयल लगता है, जबकि ये मैंने बाहर डलवा था तो मेरे को 350-350 ही डला था, तो 450 ml लगता है, ये बात एक याद रखना। तो अभी वही ऑयल लाने गया भैया, वो कर लेते फटाफट, इसके बाद फिर नॉर्मल इंजन ऑयल चेंज करने का बाकी रहेगा। तो कोई ये वाला ऑयल लगता है इसके अंदर, और ये 350 ml का आता है मगर हम लोग के बाइक में 450 ml लगता है, तो इसके लिए 3 डब्बा लिया मैंने। और ऑयल कभी भी जितना चाहिए उतना रखो यार, नहीं तो बाद में अंदर शॉक ऑब्जर्व घिसने लगता है और वो ख़राब होएगा, इसके लिए जितना कंपनी बता रही है उतना ही ऑयल अंदर रखने का। तो अभी वो भाई गए शॉक ऑब्जर्व क्लीन कराने के लिए, फिर आके ये वाले ये तीनों ऑयल डाल देंगे उसमें। तो फाइनली पूरे शॉक ऑफ दोनों लगा के हो गए, अभी बस सेंसर ऐड करना है हमारा और इंजन ऑयल चेंज करना है बस। तो अभी ऑयल चेंज कर रहे हैं हम लोग पहले, फिर बाद में सेंसर डाल के देखते हैं। इंजन ऑयल वगैरह तो आधे घंटे में सब चेंज हो जाएगा, सब टॉप अप वगैरह एकदम फटफट हो जाएगा, बस सेंसर का प्रॉब्लम है, वो थोड़ा टाइम लेगा हम लोग का। ये ओपन हो रहा है हमारा ऑयल फिल्टर, तो ये रहा हमारा न्यू ऑयल फिल्टर। ये आ गया हमारा नया वाला ऑयल, देखेंगे अभी इसमें परफॉर्मेंस में क्या चेंज होता है इससे। अब इंजन ऑयल भी चेंज करके हो गया हम लोग का, बस अभी सेंसर और कूलेंट वो सब जो छोटा मोटा है वो सब टॉप अप करना है, उसके बाद जाएगी गाड़ी वॉश में और फिर फाइनल बिलिंग। हाँ पूरा दिन चला गया मेरा आज इधर, बट अब बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, पूरी टोटल ओके हो गई है भाई। ऑयल डाला 185 ऑयल फिल्टर तो आपने नहीं लाया था। हाँ ऑयल फिल्टर हम लोग ने दिया सर। हाँ पेट सर्विस चार्जेस 950 बताया था आपको, पंजेबल चार्ज 250। ये कौन सा पंजेबल चार्ज? हाँ और ये फॉल कवर वायलिंग किया ना, खोल के सब कार का टॉप अप ये सब किया ना, उसका 350। ऑयल तो आपने दिया सर, उसका तो कोई चार्ज हम लोग ने जोड़ा नहीं है सर। हाँ तो चलो गाड़ी में डलवाते हैं पहले सबसे पेट्रोल,
हो मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। धीरे धीरे मालूम पड़ेगा ना मोटुल में भी कितना डिफरेंस आया। अरे यार इधर हमेशा करती रहती है, थोड़ा देखता हूँ बाद में। तो बिल मुझे व्हाट्सअप आ जाएगा, तो मतलब मैं वीडियो के एंड में पूरा बिल का एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि कितना बिल आया, कितना किसका क्या चार्जेस था, सब मैं डाल दूंगा। और बस अभी बचा है गियर सेंसर, तो वो एक दो दिन में आ जाएगा तो तब आके मैं डलवा लूँगा, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब काम हो गया बाइक का, कुछ भी नहीं बचा है अभी, बस सेंसर का वेट करेंगे। एक दो दिन में वो भी हो जाएगा तो फिर कोई नहीं। बाकी परफॉर्मेंस की बात करो यार, अब बाइक चलाने में ज़रा मज़ा आ रही है यार, पहले से मतलब बोलते ना अब पावर फील हो रही है। मस्त है, मस्त मतलब पूरा एकदम सेटिस्फेक्शन है काम से पूरा। बेचारे मतलब वो इरशाद भाई और इमरान भाई ने दोनों ने बहुत अच्छा खासा हेल्प किया, क्योंकि पूरे बाइक में बहुत सारा काम था। मेरे को मालूम था पूरा दिन जाने वाला है मेरा, मगर वो लोगों ने एक दिन में मेरी बाइक पूरी सब काम कर दी। बस सेंसर अवेलेबल ना होने के कारण वो नहीं हुआ, वरना वो भी काम आज हो जाता था। तो वो एक था, और बाकी मेरा जो अभी मैंने ऑयल चेंज करके देखा तो उसका भी परफॉर्मेंस में अभी क्या फ़र्क आता है वो मैं एक दिन बता दूंगा आप लोग को। बाकी अगर आप लोग को भी वही ऑयल ऑर्डर करना होगा या ट्राई करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक डाल दूंगा, आप लोग उधर से बाय कर सकते हो ऑयल। बाकी बाइक अभी बहुत सही लग रही है यार, एकदम स्मूथ और रेडी टू लॉन्च एकदम। मज़ा आ गया। बस एंड में स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा इमरान भाई को, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प किया यार, लिटरली मतलब यार। स्पेशली इरशाद भाई ने बहुत मेहनत किया, सुबह से बस वो मेरे अकेले की गाड़ी कर रहे थे, इतना सारा काम था पूरा। अभी देखो बाइक छोड़ने के बाद भी किधर जा नहीं रही है, एकदम प्रॉपर चल रही है। तो दैट्स इट गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।